स्टार्टिंग से कुछ इस तरह से मेरा घर दिखता है। ओ, इसका तो पूरा काम हुआ नहीं है, छपाई भी नहीं हुई अभी तक। देख सकते हो यार, इधर बैल है, सभी ये जो है ना बाहर से गोरक्षण के बैल है, बैल है, गाय है, इधर भैंस भी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज किशोर डेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस सतज व्लॉगर। तो गाइस, अभी हम मुझे जाना है खेत में, खेत में दवाई मारना है। उसके बाद उधर से आने के बाद मैं मेरा घर का होम टूर दिखाने और मेरा घर कैसा है और मेरा जो किसानों का घर रहता है वो किस तरह से रहता है दिखाने वाला हूँ। यार मेरा घर पूरा टूटे दिखाने वाला हूँ, जो ज़्यादा कोई मतलब लग्जरी घर नहीं है हमारा, ऐसे मिडिल क्लास लोगों का घर है, तो दिखाने वाला हूँ उधर। सबसे पहले अभी मुझे जाना है खेत में, खेत में आज दवाई मारना है, तो दवाई मारने के बाद वो भी दिखाऊंगा मैं, मेरा खेत भी दिखाऊंगा। उधर से आने के बाद मेरा होम टूर भी दे दूंगा। तो यहाँ पे अभी हमने ले लिया है दवाई, बकेट और पीपा, ये जो कुएं में से पानी निकालने के लिए बकेट ले लिया, और इसमें है दवाई जो कि खेत में मारेगी। तो बिना देर के चलिए अभी हम चलते हैं खेत में। मतलब 1.5-2 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा खेत में जाने के लिए, क्योंकि गाड़ी तो हमारे पास तो अभी है नहीं, गाड़ी हमारी नागपुर में, तो अभी लंबा रास्ता है वाला खेत, पर काफ़ी दूर भी आता है। तो पैदल मतलब खेत में पहुंचने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं कैसा किस तरह खेत है। तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं है यार भाई, गांव की सड़कें काफ़ी अभी पहले तो काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अभी मस्त बना के रखी है पूरी। अभी लग गया भाई खेत में जाने के लिए कच्चा रास्ता, तो यह कच्चा रास्ते से अभी जाना पड़ेगा। एंड सो गाइस, फाइनली पहुँच चुके हैं हम खेत में, और यह है फाइनली हमारा खेत। तो काफ़ी बड़ा नहीं है, 1.5 एकड़ खेत है ये वाला, और इसके अंदर पूरा चना लगा के रखा है। और यहाँ पे अभी मारना चलो है दवाई, उधर दवाई रखा है, और इधर है पानी। पानी पर मतलब मुझे ना कुएं में से पानी भर के लेके आना पड़ेगा उन लोग को देने के लिए, वो दवाई मारने के लिए। उसके पंप, वो पंप है, मोटर पंप है, उसके अंदर पानी डाल के दवाई मारते हैं वो लोग। तो उनको दिखाता हूँ मैं किस तरह से मारते तो दवाई अभी। एंड इधर है दवाई, दवाई का नाम तो नहीं बताऊँगा कौन सा दवाई है तो ये, लेकिन ये है चना यार हमारे खेत का। अभी तो चना लगा नहीं है, मतलब 1.5 महीने के बाद इसमें चना लगना चालू हो जाएगा। और इस तरह से कुछ एक चना का खेत रहता है। एंड देख सकते हो ये वाला कुआं, इस कुएं में से पानी निकलना है मुझे, और ये पीपी में भर के लेके जाना है उधर वाले खेत में। और कुएं का पानी देखो यार कितना ज़्यादा है, फुल पानी भरा हुआ है। समर के महीने भी इतना ही पानी रहता है, देख सकते हो। अभी कैमरा में सही से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन काफ़ी भरा हुआ है कुआं। फाइनली अभी हमारे चना पर मार्के हो चुका है दवाई, तो यहाँ से उतना ही जगह बाकी है, यहाँ से वहाँ तक इतना ही जगह बचा है, उतना जगह वो मार लेंगे। और यहाँ से अभी मुझे जाना था दामनगांव, एक दोस्त को मुझे रेलवे स्टेशन में छोड़ना है, फिर इधर से दामनगांव चले जाएंगे, फिर उधर से आने के बाद आपको होम टूर दिखाने वाला मैं। अभी चलते फिर फिलहाल तो अभी घर पर। सो गाइस, फाइनली अभी हम पहुँच चुके घर पे। फाइनली अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, तो अभी यहाँ से मैं चलते मेरे दोस्त के रूम पर, दोस्त के घर पर। एंड तो उधर से जाएंगे धावन का, फिर उधर से आने के बाद आपको रूम टूर दिखाने वाला हूँ मैं। तो रूम पर उसको भी मिला, तो वो भी उसको भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं, फिर उसके बाद चल। वैसे अभी हम पहुँच चुके हैं धावन का, तो यहाँ से अभी हम वेट करते हैं ट्रेन आने का। तो उसका नाम है प्रतीक, ये मेरे साथ ही मेरा दोस्त है, तो इसका इंट्रोडक्शन तो तेरा खुद के बारे में बता कुछ। बताना मैं बताऊँगा बाद में। ये शर्मा रहा है अभी, तो ये कैमरा फेस नहीं कर पाता सही तरीके से। तो इसके बाद 12 में तो मैं बता दिया, इसका नाम है प्रतीक और मेरे साथ ही जो हमारे टीम में काम करेगा ब्लॉगिंग में। तो जैसे मैं इधर के ब्लॉग बनाना चालू कर दूंगा ना बैंगलोर से आकर, तो ये दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसकी गाड़ी है, उसको गाड़ी लेकर अभी हम जा रहे हैं घर पर, पहुंच चुके घर पे। तो यहाँ से अभी हम चलते घर पर। एंड सो गाइस, फाइनली अभी मैं दिखाने वाला हूँ मेरा घर का होम टूर, किस तरह से मेरा घर है। ज़्यादा कुछ यार मतलब इतना भी बड़ा घर नहीं है, इतना भी अच्छा घर नहीं है जैसे, लेकिन यार एक विलेज वालों का घर जिस तरह से रहता है, एक किसान का घर जिस तरह से रहता है ना, वही दिखाने वाला हूँ। तो किस तरह से है, ज़्यादा कुछ लग्जरी घर नहीं मेरा वाला, लेकिन जैसे नॉर्मली मिडिल क्लास लोगों का घर रहता है उससे भी थोड़ा कम लेवल पे मेरा घर है। जैसा भी है, जो भी है ना, रियलिटी में दिखाने वाला हूँ मेरा घर कैसा है, मैं कैसे किस तरह से रहता हूँ, सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से कुछ इस तरह से मेरा घर दिखता है। ओ, इसका तो पूरा काम हुआ नहीं है, छपाई भी नहीं हुई अभी तक। ये हमारा दरवाज़ा है, और अंदर ही यार पूरा माल मतलब खेती का जो भी निकलता है ना कपासी, यहाँ पे ला के रख दिया है। और इधर रखने के लिए जगह नहीं थी, फिर इधर मैं सोफा मतलब दीवान लगा के रखा था, इसको हम तकसबस बोलते हैं। और यहाँ पे है व्हाइट सोना, जो भी किसान लोगों का रहता है, या इसे हमारी ये वाली चीज़ों से हमारा घर चलता है, और इसको बोलते हैं कपासी, ये वाला है। तो अभी निकलना चलो खेत में से। ये और एक रूम है, ये वाले रूम में कपासी है,
देख सकते हो, और लाइट कम है ना तो थोड़ा कम दिख रहा है। और इधर इससे चलते हैं, फिर इस तरह से कुछ वाला रूम आता है, ऊपर ऐसे कुछ कबाड़ा मतलब कबाड़ी रख के रखा है। और इसके नीचे और एक जो है ना पुराना वाला घर है, मिट्टी का घर है, इससे ना लाइट नहीं है ना यार, लाइट से थोड़ा कम लाइट आ रहा है। मैं लाइट चालू करता हूँ। यहाँ से जाने के बाद फिर और एक नीचे जाना पड़ता है। और भाई यहाँ से देखो, ये वाला मिट्टी वाला घर है, और यहाँ से नीचे और ये नीचे जाना पड़ता है। ये तो पूरा अंदर है, नीचे आना पड़ेगा। और नीचे आकर ना यहाँ पर है चूल्हा, यहाँ पर चूल्हा है, यहाँ पे ये वाला किचन है मिट्टी का घर में। और देखो यहाँ पे बर्तन है, यहाँ नीचे गैस है, और इधर है चूल्हा। और आगे चलते हैं तो आगे चल के इधर एक और एक रूम है, ये बड़ा रूम है थोड़ा सा। तो इधर आके थोड़ा लाइट जला के देखते हो, लाइट है क्या? तो नहीं यार, अभी पूरा अंधेरा अंधेरा है यहाँ पे, कुछ ऐसे नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन मैं टॉर्च जला के दिखा रहा हूँ मैं किस तरह सा रूम है। तो सबसे स्टार्टिंग में आते हैं, इधर है अलमारी और इधर है दीवान, जो भी यहाँ पे हम सोते हैं। फिर आकर देखते हैं इधर, इधर से थोड़ा सा फेस है, इधर थोड़ा फेस है, और इस तरह से कुछ ये वाला रूम है। तो और ये भाई, ये है पुराने जो भी पुराने में जमाने में बनाता था ना, उस तरह का घर। यहाँ पे और एक मंजिल है, यहाँ पे लकड़ी का, इसको बोलते हैं मौज का घर, मतलब मौदा मौदा ऐसा कुछ बोलते हैं इसको हमारे तरफ से, मराठी में ऐसा कुछ मौदे का घर बोलते हैं। यहाँ से और चलेंगे तो ऊपर एक और रूम है, और यहाँ पे दिखाता हूँ इधर से ऊपर जाकर। और इधर ना पूरा कबाड़ी डाल के रख दिया है। देखो ऊपर और एक है फ्लोर, ये फ्लोर पे ना कबाड़ी है। जितना भी वेस्टेज स्टोर रहता है ना हमारा, ये भी ऊपर ही डाल के रख देते हैं। जितना भी खेती का सामान रहता है सभी ऊपर रख देते हैं हम, जितना भी। और घर का एक दूसरा एक दरवाजा है, यहाँ से भी दरवाजा ओपन होता है। मैं ओपन करके दिखाता हूँ। और इधर कुछ इस तरह से व्यूज है यार, देख सकते हो यार। इधर भी हमारा जो है ना गिट्टी ला के रख दिया है, ईटा भी इधर, और उधर पूरा खंडर है। बाहर से कुछ इस तरह मिट्टी वाला घर दिखता है, वो अच्छा पक्का वाला घर है, मतलब ईंटों का बना के रखा था, मतलब गोना डाल के फारी डाल के रखा था, क्योंकि बारिश के टाइम में नीचे से ये आता है पानी टपकता है, तो इसलिए ऊपर हमने फारी डाल के रखी थी। और दिखा तो भाई पुराना घर किस तरह से रहता था हमारा, जो भी पुराने लोगों ने बनाया था ना घर। यार अंदर आए ना, अंधेरा से अच्छा कुछ दिखना रहा। देखो ये वाला लकड़ी वाला था, इसको बोलते हम मोदी वाला घर, पुराना जमानों का ये डबल मंजिली घर होता हुआ करता था। अभी हम जा रहे हैं आश्रम दर्शन करने के लिए, तो उधर जाने के बाद आपको कुछ चीज दिखाने वाला हो तो वो दिखाता हूँ। हाँ हाँ तो उधर अभी हम जा रहे हैं गोरक्षण में, जो हमारे गांव में एक तो हमारे घर में एक बैल था। और यार काफी दिनों से मतलब हमने गोरक्षण में दिया था, क्योंकि इधर हम रहते नहीं है और बाहर अभी जॉब करते तो कोई रहता नहीं, इसलिए तो फिर गोरक्षण में दिया था। तो वो बैल भी दिखाने वाला अभी, और दर्शन करने के लिए आश्रम भी जा रहा हूँ, तो आश्रम भी दिखाऊंगा उधर जाके। अभी हम आ चुके हैं गोरक्षण में, ये वाला गोरक्षण है, इसके अंदर जाके देखते अभी हमारा जो बैल था ना वो है कि नहीं है, तो देखते इसको अंदर जाकर। इसको ना मैं ये वाला वीडियो, जब भी ये वाला जो आश्रम का डिटेल वीडियो बनाऊंगा ना, उसका फुल डिटेल ट्यूटोरियल दूंगा, तो फिर अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा ये वाला बॉस। देख सकते हो यार इधर बैल है सभी, ये जो है ना बाहर से गोरक्षण के बैल है, बैल है, गाय है, इधर भैंस भी है। और दिखा दो क्या क्या चीज़ें, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे माँ को मेरी माँ को पता है किधर है तो वो बैल, क्योंकि उन्होंने देखा था। तो एक बार लास्ट बार देख ले बोले अभी साल। एंड भाई जो हमने जो बैल देखने के लिए दिखाने के लिए गए थे ना गोरक्षण में, तो वो बैल तो हो चुका है डेट, मतलब बैल देखने के लिए गए थे लेकिन वो डेट हो चुका है। तो यार देखने के लिए कुछ मिला नहीं, तो अभी हम आ चुके हैं आश्रम में, और ये मंदिर है, इसके अंदर अभी हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं महाराज के। तो फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ महाराज कौन से, तो हाँ, तो दर्शन वर्शन कर लेते हैं, फिर इसका तो मैं टुडे कर दूंगा आश्रम का, अभी तो सिर्फ दिखा रहा हूँ। यार विश्व मंदिर यहाँ पे सभी तरह के ना भगवान मिलेंगे यहाँ पर। तो फाइनली अभी हमारा दर्शन हो चुका है, तो अभी हम लेते हैं महाराज का दर्शन।